हाँ मैंने बुलाया। मिस रीना का वो हाल वो मेकअप आप ही ने किया था। Am I right, Miss Tiffany? No, boss, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? मैं अपनी कंपनी की भलाई चाहती होंगी और आप मेरे को ऐसा कैसे लग सकता है कि मैंने वो चीज क्या है वो खुद ही करके आई होगी, उसको मेकअप का सेंस जो नहीं है। Boss, how dare you? आपने मुझ पे थप्पड़ मारा? उस कल की आई लड़की के लिए आपने मुझ पे थप्पड़ मारा? Shut up! मुझे पता है कौन क्या क्या कर सकता है। तुम्हें मैंने इसीलिए सेक्रेटरी बनाया था क्योंकि तुम्हारे पापा ने मेरे ऊपर एहसान किया था, पर तुम अपने पापा के बेटी कहलाने के बिल्कुल लायक नहीं हो। और तुम जिसको कल की आई लड़की कह रही हो ना, वो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है। आप भूलिएगा मत, आप मेरे कंपनी में काम कर रहे हो। अपने आप को जल्दी नहीं सुधारा तो मुझे मजबूरन आपको कंपनी से फायर करना पड़ेगा। आई होप यू विल थिंक अबाउट इट, मिस टिफनी। इतना बड़ा इंसिडेंट सब उसकी वजह से हुआ है, पर बॉस ने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। इसकी सजा बॉस को तो मिलेगी और वो मैं दूंगी। हेलो, आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। What the hell? Who are you? Please, don't speak English. I mean, तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं। तुम जो बोल रहे हो, मैं हिंदी बोल सकती हूँ। वैसे भी, मैं सेक्रेटरी हूँ याकुजा हिमावारी ऑफिस की। क्या तुम हमारे राइवल कंपनी की सेक्रेटरी? तुम अंदर कैसे घुसी? गार्ड्स! जीसस, लग रहा है कोई अनपढ़ गवार तोतला इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा है। एनीवे, गार्ड्स तुम्हारे आने नहीं वाले, तो बुलाने का कोई फायदा नहीं। और हाँ, मुझे पता है वो तुम्हारा राइवल कंपनी है और मेरा भी, तो मैं तुम्हें अच्छा अमाउंट दूंगी। वो कंपनी को तुम्हें डुबाना है। नेकी और पुट, इस मौके का तो मुझे कब से इंतजार था। देर पक्की। तुम समझदार हो, आज से हम पार्टनर्स, अब इनका ख्याल नहीं। वैसे ये बात सही है, कभी कभी तुम्हारा दिमाग भी चलता है। रेस्टोरेंट में मैं कब से आना चाहती थी, पर टाइम नहीं मिला, सो अभी मैं आ गई तुम्हारे साथ। अले, मारे को सब मालूम होता है रे। हाँ हाँ, तुम तो सर्वज्ञानी हो ना। वैसे यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। अरे, मैंने जो ऑर्डर किया है उसको, वो खाना ऑसम है। ठीक है, मैंने तुम्हें बहुत बार बताया है कि पहले मुँह का खाना खत्म करो फिर बात करो। अरे तुम्हें पता है वो यूट्यूबर गर्ल गेमर यूजी, मैंने ना उसके साकुरा वाले वीडियोस बहुत पसंद आते हैं। मैं तो उसके बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे उसके चीवी गर्ल वाला स्टोरी बहुत पसंद आया था, लेकिन वो बहुत जल्दी खत्म हो गया। उसने कहा कि उसके 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद वो चीवी गर्ल की नेक्स्ट सीरीज बनाएगी। ओ, उसके कब 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, मैंने बहुत फ्रेंड्स को शेयर किया है उसका चैनल, बस उसके 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी पूरे हो जाए। आज मैंने तेरे साथ बहुत मजा आया, कल ऑफिस में मिलते हैं। हाँ, मुझे भी, बाय। अरे, ये तो हमारे बॉस लगते हैं, है ना? पर वो इस तरह से इधर क्यों सो रहे हैं? बॉस, हेलो, सच में सो रहे हैं क्या? मुझे इनको उठाना चाहिए? मतलब इस तरह से ऐसे सोना, वो भी इतनी रात को, ठीक बात नहीं। सब डूब गया। सब कुछ चला गया, मेरी इतनी साल की मेहनत सब चला गया। सब कुछ चला गया। बॉस, ये आप क्या कह रहे हैं और आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? मुझे आपको घर पहुंचाना होगा, आप शांत हो जाइए। शांत हो जाओ, कंपनी डूब गई, मुझे घर जाना है। ओ तेरे बिन जाना सलम, ओ सारी सनम। बॉस,
प्लीज ठीक से चलिए, मैं ऐसे आप अगर गिर गए तो मैं उठा कर ले नहीं जा पाऊंगी। प्लीज बॉस मेरे साथ ठीक से चलिए, फिर से वापस मत चलिए, उस तरफ नहीं जाना, हमको इस तरफ जाना है। अरे मैं ठीक से कैसे चल सकता हूँ, तुमने मुझे मेरे दारू से दूर कर दिया। मेरे दिल में दारू के लिए होता है दिल में मेरे, दर्द किसको किधर किसको रे बाबा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको सही सलामत घर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। काटा लगा, हाय लगा। जी बॉस, बुलाया आपने? हाँ मिस रीना, कल के बिहेवियर के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे मेरे ड्राइवर से मालूम पड़ा कि आपने मुझे कल घर में पहुंचा दिया था, उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। और मुझे बहुत ही अफसोस है कि आपने मुझे उस हालत में देखा। नहीं बॉस, इट्स ओके, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे आप कल कुछ कह रहे थे कि कंपनी डूब गई है, कंपनी का लॉस हुआ है, समथिंग लाइक दैट, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? अब आपको मैं क्या बताऊँ मिस रीना, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है हमारे कंपनी का, और वो नुकसान मुझे यकीन है उसने ही किया है, मेरे पुराने दुश्मन ने, हमारे राइवल कंपनी में। अब कंपनी को वापस खड़ा करने में हमको बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत मेहनत लगेगी, मेरी इतनी साल की मेहनत सब बर्बाद हो गई। मुझे पता है कि बिना किसी अंदर वाले के मदद के ये हो नहीं सकता। समथिंग इज फिशी मिस रीना, मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किसने उसकी हेल्प की है। अगर मुझे वो मिल गया ना, आई प्रॉमिस कि मैं उसका इतना बुरा हाल करूँगा कि वो सोच भी नहीं सकता। इट्स ओके बॉस, हम सब मिलके कंपनी को वापस खड़ा कर देंगे, मुझे यकीन है। मुझे आपकी यकीन पे यकीन है मिस रीना, और आज से आप मेरी सेक्रेटरी हो, मेरे बाद सारा काम आप ही संभालोगी। ओह माय गॉड, आप मुझे प्रमोट कर रहे, थैंक यू सो मच बॉस, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं होने दूंगी। यकीन है बॉस, मैं कर लूंगी, आपको सेक्रेटरी बना रही हूँ। अब इनको ज्यादा ही हो रहा है, इनको और ज्यादा मजा चखाना पड़ेगा। समथिंग हैपेंड बॉस, आपको कुछ कहना है? आप मुझे घूर क्यों रहे हैं? नो नो नथिंग। ओके मुझे अभी भी लगता है आप कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस देख रहा था आप कितने मन लगा के काम करती है, और मुझे डिटरमाइंड लोग बहुत पसंद है। कीप इट अप। ओके थैंक यू। आज मैं उसको अपने दिल की बात बता ही दूंगा। मिस रीना, विल यू प्लीज मैरी मी? क्या? ओह माय गॉड, सच में? हाँ मैं करूंगी। माय गॉड, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, ये लोग शादी तक पहुंच गए, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। ओए होए चकदे पत्ते, मुझे पता था ऐसा होगा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे सॉरी मन्नना, सिद्धि बजाना नहीं आता। मुझे पूछना चाहिए, तुम टाइगर के घर में क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ मतलब? मैं तो आती जाती रहती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उफ, तुम तो कुछ दिन पहले आई हो, मैं कब से हूँ, और बॉस की आदत है थोड़ी, वो नई नई लड़कियों को बस टाइम पास के लिए वो सब बोल दे, फिर कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं। वो मुझे ही पता है सिर्फ, मैं तो बॉस की परमानेंट हूँ। देखो रोना वोना मत चालू कर देना प्लीज, बड़ी बड़ी कंपनी में होते ही है ऐसा, बॉस तो बॉस ही है, सारे के सारे बॉस होते ही ऐसे, तुम्हें पता होना चाहिए था। तुम तो सोच बैठी कि ओ बॉस मुझसे शादी करेगा, घर बताएगा, ऐसा नहीं होता कंपनीज में बड़े बड़े। तुम झूठ कह रही हो। जी नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ।
रीना फोन क्यों नहीं उठा रही? कितनी बार कॉल कर रहा हूँ, फिर से एक बार करता हूँ। ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा तो वो कभी नहीं करती, वो ठीक तो होगी ना।